वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, जिसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। पुरानी अगर एनसीईआरटी खोलें, ये टॉपिक आपको दिखेगा। मैंने सुना है कि नई एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया। देखो मुझे आधे टाइम तो यही नहीं पता लगता है कि क्या हटा क्या कटा, और विश्वास सा नहीं होता कि अच्छा ये हट गया या कट गया। लेकिन मेंस और नीट में आपको एक डिस्टेंस, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। आप हो सकता है पीवाईक्यू के अंदर आपने ये वर्ड सुना भी हो, जिन्होंने वेव ऑप्टिक्स किया हो, जिसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। शायद पीवाईक्यू के अंदर ऐसा कुछ वर्ड सुना हो, है पीवाईक्यू में है। तो फ्रेजनल डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। अब फ्रेजनल डिस्टेंस है क्या, ये पूरी थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे, बस जो मैं मार्क करवाऊंगा बस वो पढ़ेंगे। तो इसमें बस चार चीज़ें हैं जो हमने करनी है, दो कंडीशंस हैं, दो न्यूमेरिकल, बस डन, इतना ही काम करना है। एनसीईआरटी में मैंने इसको आता देखा नहीं है, तो मतलब बोर्ड के अंदर पहले से जब सिलेबस में था तब भी नहीं मैंने इसको देखा आता हुआ। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो ऑप्टिक्स हैं। अब ये तो हुआ नहीं ना, स्टार्ट तो वेव ऑप्टिक्स से कहानी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जहां पर वेव ऑप्टिक्स काम नहीं करेगा, जहां पर रे ऑप्टिक्स काम करेगा, और रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेनेशन सही मिलेगी, वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाएगी। आप एज अ स्टूडेंट ये समझते हो कि लाइट को देखते हुए मैं कैसे फैसला करूं इसमें रे लगेगा या इसमें वेव लगेगा, मैं कैसे समझूं इसे। या चलो हम एक बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक स्लिट ले ली, एक होल कर लिया और लेजर लाइट से लाइट को फेंका। वो होल बहुत छोटा था, अपर्चर बहुत छोटा था, लाइट आई, जितना छोटा अपर्चर होगा लाइट उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही थी कंडीशन। आप स्लिट को बहुत बड़ा नहीं ले सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटी स्लिट्स के ऊपर ही डिफ्रैक्शन होती है, बड़ी के ऊपर तो होती नहीं है। आपने एक स्लिट ली जो बहुत छोटी है, लेज़र लाइट आई, उसमें से पास हुई और डिफ्रैक्शन हो गई, सामने स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बन गया, बहुत बढ़िया हो गया, पैटर्न बन गया और डिफ्रैक्शन हो गई। अब आप एक मिनट इमेजिन करें कि एक आपने फिर से एक्सपेरिमेंट में स्लिट ली, उस स्लिट का जो अपर्चर है वो इतना बड़ा ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, चलो मतलब होल, इतना बड़ा होल ले लिया, और पीछे लेजर लाइट लेके खड़े हो गए। अब लेजर लाइट तो यार वहां से बेंड छोड़ो, पूरा इतनी बड़ी ओपनिंग थी, पूरी दीवार पे गई और वहां पर डॉट बन गया। बेंडिंग कहां से होनी थी, बेंडिंग तो तब होती जब जगह कम थी और लाइट को पास करने का रास्ता था नहीं, और कॉर्नर से आके बेंड हो गई। जब तुमने ओपनिंग इतनी बड़ी कर दी उसमें से तो सीधी लाइट पास हो गई, तो यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न सामने नहीं बनने वाला। कैसे बनेगा, डिफ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। डिफ्रैक्शन के लिए लाइट की क्या होनी चाहिए, कॉर्नर से बेंडिंग, और बेंडिंग होने के लिए साइज छोटा होना चाहिए। तो फिर उस केस में क्या हुआ, उस केस में डिफ्रैक्शन नहीं हुई, तो डिफ्रैक्शन नहीं हुई तो हमने कहा देखो रे जा रही है, तो ये रे ऑप्टिक्स का फिनोमेना हो गया। अब एक स्टूडेंट कहता हाँ समझ में आ गया मुझे, मैंने कहा क्या समझ में आया, कहता जी अगर होल छोटा है तो डिफ्रैक्शन होगी, वेव ऑप्टिक्स है, नहीं है तो रे ऑप्टिक्स है। मैंने कहा ठीक, तो एक काम कर, तो स्लिट का साइज ले 10 mm, लैम्डा ले 6000 angstrom, बता डिफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। अब वो कहता कैसे, मैंने कहा फिर वो लैब में गया, अंधेरा किया, होल किया, टॉर्च मारी, देखा उसने डिफ्रैक्शन हो गई। उसने मेरे को कहा सर डिफ्रैक्शन हो गई, तो मैंने कहा ठीक है डन, वेव ऑप्टिक्स वैलिड है, तेरा आंसर वेव ऑप्टिक्स से चलता है क्योंकि डिफ्रैक्शन हो गई। कहता अब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा एक काम कर फिर से स्लिट ले, इस बार 15 mm की स्लिट ले, लैम्डा 6000 angstrom में, अब करके आ। फिर से गया, एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन फिर हो गई, सामने पैटर्न बना, 15 mm भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पैटर्न बना और पैटर्न बन के उसने कहा डिफ्रैक्शन हुई, मैक्सिमम मिनिमम मुझे दिख गया, ठीक है। मैं क्या काम कर, स्मॉल डी की वैल्यू चल तू चेंज कर, तू स्मॉल डी कर 18 mm, लैम्डा 7000 angstrom, अब बता डिफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी, अगर होगी बोल दियो वेव ऑप्टिक्स, नहीं होगी तो बोल दियो रे ऑप्टिक्स। तो फिर से गया, उसने कहा कि डिफ्रैक्शन अब भी हो गई, ठीक है। अब मैंने कहा एक काम कर तो फिर से लैम्डा चेंज कर, स्मॉल डी चेंज कर। वो कहता कि मतलब मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करूं, हाँ फिर से एक्सपेरिमेंट कर। तो उसने फिर बता दिया कि इस बार डिफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। अब वो स्टूडेंट तुम थे और तुम्हारा पेपर था फाइनल मेंस और नीट का, और क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, और लैब में जाना अलाउड नहीं एग्जाम के टाइम पे, और तुम्हें डी दे दिया,
तुम्हें लैम्डा भी दे दिया और तुमसे पूछ लिया बोल डिफ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी, अब तुम कैसे आंसर दो? लैब तो है नहीं। अब तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, एक थ्योरी बनानी है जिसमें बार बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, तो तुम्हें एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि बस मैं वैल्यू पुट करूं लैम्डा की और स्मॉल टी की और मुझे एक मिनट में पता लग जाए डिफ्रैक्शन होगी या नहीं होगी बिना एक्सपेरिमेंट के। और ये टॉपिक यही है, ये कंडीशन बनाने वाला है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फिर तो है वेव ऑप्टिक्स, और अगर नहीं हुई तो फिर रे ऑप्टिक्स, ऐसे आंसर देना है। समझ में आ रहा है ये टॉपिक क्या करता है? पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, ये तो बहुत थ्योरी किसी और टाइप की थ्योरी है, बट मैं आपको दो लाइन में समझाता हूँ ये है क्या चीज़। तो इसमें वो क्या कहता है कि मान लो डिफ्रैक्शन नहीं हुई, आपने होल बड़ा कर दिया और डिफ्रैक्शन नहीं हुई, अगर डिफ्रैक्शन नहीं हुई तो कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड है? रे ऑप्टिक्स। तो फिर यानी कि हम काम तो वेव में कर रहे थे, जब डिफ्रैक्शन नहीं हुई तो रे ऑप्टिक्स आ गया, तो इसलिए क्या बोला जाता है, रे ऑप्टिक्स इज अ लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पूरे वेव ऑप्टिक्स को खत्म करने पे, ये टॉपिक खत्म करने पे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ये बाउंड्री है कि वेव ऑप्टिक्स खत्म हो रहा है और रे ऑप्टिक्स अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब हम डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स नहीं कंसिडर करेंगे, अब नहीं होगी, क्लियर है? तो बेंडिंग इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि डिफ्रैक्शन होगी, तो पूरे रे ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन होती नहीं है, तो ये स्पेशल केस बन के आता है वेव ऑप्टिक्स का। तो इसके लिए ये याद दिला रहा है डिफ्रैक्शन का रिजल्ट, अगर डिफ्रैक्शन होती है तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला फर्स्ट मिनिमा का क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इज वन लैम्डा, या साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, या अप्रोक्सीमेट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय, ये आप फर्स्ट मिनिमा ये फॉर्मूला याद करवा रहे हैं कि अगर आप डिफ्रैक्शन करते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर फर्स्ट मिनिमा आता है जिसकी एंगुलर पोजीशन क्या होती है, और ये भी याद दिलाता है कि जब आप डिफ्रैक्शन करते हैं तो जो फर्स्ट मिनिमा है ऊपर भी है एंड नीचे भी है, तो ऊपर फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे है एक्स, और नीचे भी कितने डिस्टेंस पे है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है लैम्डा डी बाई डी, ठीक किया? ये क्यों बात कर रहे हैं इस फर्स्ट मिनिमा की, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लाइट गिरी गई थी, सेंट्रल मैक्सिमा पे लाइट सबसे ज्यादा थी, ठीक हो गया? अब वो ये कहता है कि ठीक है आपको याद दिला दिया कि जो एक्स की वैल्यू है जहां पर स्प्रेड हुआ था, स्प्रेड का मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक फैला गया था, सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक फैला गया था एक्स ऊपर एक्स नीचे, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x थी, सही? अब वो ये कह रहा है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, याद नहीं करना वैसी रैंडम वैल्यू। वो कहते हैं कि अगर मैं स्मॉल डी की वैल्यू आपको 10 mm लेने को कहूं एंड लैम्डा की वैल्यू इतने मीटर लेने को कहूं, कैपिटल डी 3 मीटर दूर है, तो तुम एक्स निकालोगे जो कि 0.18 mm है, 0.18 mm बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, 1 mm बहुत छोटी होती है, 0.18 तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो कह रहे कि इस केस में स्प्रेड बहुत बड़ा नहीं है, 0.18 mm का मतलब समझते हो कि ये सेंटर पॉइंट है, 0.18 तो दिखेगा भी नहीं आपको, ना मात्र डिस्टेंस है सेंटर से, यानी कि लाइट का स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो लाइट आई स्लिट में से वो सीधी की सीधी सेंटर पे जाके गिरी, स्प्रेडिंग नहीं हो पाई। और अगर अच्छी स्प्रेडिंग होती है तो एक्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी, 0.18 तो नहीं आएगी, ज़्यादा एमएम आएगी, तो अच्छी स्प्रेडिंग ऐसी होती है, और ये बहुत बेकार स्प्रेडिंग है, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, सारी की सारी लाइट यहाँ पे गिर गई। तो अगर स्प्रेडिंग कम है इसका मतलब डिफ्रैक्शन हो नहीं पाया, लाइट बेंड नहीं हो पाई, अगर सीधी लाइट गिर रही है फैल नहीं पाई, ना फैलने का मतलब सीधा गिरना, मतलब कि रे ऑप्टिक्स है, तो ये वेव ऑप्टिक्स मत लगाना यहाँ पर, इतने छोटे डिस्टेंसेस पे वेव ऑप्टिक्स चलता नहीं है, समझो ये एक रे ही जाके स्ट्राइक कर गई, क्योंकि वहां पर ना बेंडिंग हुई ना फिर स्प्रेडिंग हुई। लेकिन अगर ये स्प्रेड बड़े लार्ज है, फिर यानी कि डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है, यानी कि वेव ऑप्टिक्स बनता है। तो ये कंडीशन बना दी गई, अगर स्प्रेड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो रे ऑप्टिक्स है, अगर स्प्रेड बड़ा है तो वहां पर दिखेगा मैक्सिमा मिनिमा, तो फिर वेव ऑप्टिक्स है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से उसने कहा फिर एक कंडीशन बनाते हैं,
ये बड़ा छोटा स्प्रेड होता क्या है, कौन डिसाइड करेगा कि स्प्रेड बड़ा है कि छोटा है? कोई माइक्रोस्कोप लेके खड़ा हो जाएगा, फिर तो बड़ा ही बड़ा स्प्रेड है, फिर तो क्या ही दिक्कत है? तो कहता है जी मैं डिसाइड करता हूँ। डिसाइड ऐसे किया, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से वो कहते हैं कि ये फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पर भी फर्स्ट मिनिमम है, ये स्लिट है, स्लिट की दूरी वैसे तो ए होती है, पर यहाँ पर ये क्या ले रहा है, स्मॉल डी ले रहा है, कोई फर्क नहीं है, स्लिट की विड्थ स्मॉल ए की जगह स्मॉल डी ले ली। वो कहते हैं चलो स्प्रेड हो गया, ये स्प्रेड हो गया, ये स्प्रेड की वैल्यू अगर किसके इक्वल है, स्मॉल डी, स्मॉल डी का मतलब है स्लिट विड्थ, अगर ये स्प्रेड स्लिट के विड्थ जितना है, तो उस केस में ये जो स्क्रीन की दूरी है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल डी। वो कहते हैं खास किस्म की दूरी होगी ये, मतलब अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी है और आपका स्प्रेड जो है एक्स वो स्लिट विड्थ आ रहा है, तो इस खास डिस्टेंस को, वो कहते हैं मेरे नाम से याद करो, इस खास डिस्टेंस का नाम है फ्रेजनल डिस्टेंस। तो फ्रेजनल डिस्टेंस का मतलब है कि लाइट ने कितनी दूरी कवर की जब उसका स्प्रेड किसके इक्वल आ गया, स्लिट विड्थ के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फिर क्या बना, वो कहते हैं चलो ठीक है, हमारे पास x का फॉर्मूला स्प्रेड का क्या होता है, लैम्डा d बाय स्मॉल d होता है, स्मॉल a होता है, तो वो क्या कह रहा है कि यहां पर x को क्या पुट कर दें, स्लिट विड्थ। x को अगर मैं स्मॉल d पुट कर दूं तो इसको मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, df। यहां से उसने df निकाल दिया, जिसको फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। बॉक्स में डाल लो, पूरी थ्योरी में एक ही चीज याद करनी है और वो है फ्रेजनल डिस्टेंस, ऊपर कुछ नहीं करना आपने। तो फ्रेजनल डिस्टेंस याद करो, फ्रेजनल डिस्टेंस है डी स्क्वायर बाय लैम्डा, डी स्क्वायर बाय लैम्डा, या फिर इसको लिखा जाएगा कई बुक्स में ए स्क्वायर बाय लैम्डा, स्लिट की विड्थ स्क्वायर बाय लैम्डा, ये फ्रेजनल डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया फ्रेजनल ने और एक बड़ी सिंपल सी कंडीशन बना दी जो आपने याद करनी है। वो कहता है देखो, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में तुम फ्रेजनल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो मेरे नाम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, मेरे नाम का डिस्टेंस है फ्रेजनल डिस्टेंस, यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच में दूरी df है, क्योंकि तुम्हें स्लिट की विड्थ भी गिवन होगी, तुम्हें लैम्डा भी गिवन होगा, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल लेना। अगर जिस एक्सपेरिमेंट में तुम काम करोगे, वो कहता है तुम भी तो स्क्रीन और स्लिट का कोई डिस्टेंस लोगे, और जरूरी थोड़ी ना कि यही लोगे, अगर तुमने वो डिस्टेंस मेरे कहे हुए डिस्टेंस से कम लिया, अगर डिस्टेंस तुमने कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट का फ्रेजनल से कम लिया, यानी कि कैपिटल डी लेस देन फ्रेजनल, फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है, डी स्क्वायर बाय लैम्डा, तो उस केस में डी क्या आएगा, ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ लैम्डा बाय टी, वो इनइक्वालिटी सॉल्व की है। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में टू मच ऑफ ब्रॉडनिंग नहीं होगी, तो यानी कि अगर तुमने ये कंडीशन फॉलो की, तुम्हारा डिस्टेंस फ्रेजनल से कम रह गया, तो बहुत ब्रॉडनिंग नहीं होने वाली, और बहुत ब्रॉडनिंग ना होने का मतलब, लाइट ज़्यादा ना फैलने का मतलब कौन सा ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स तब वैलिड है अगर तुम्हारा स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रेजनल से कम है, और अगर तुम्हारा स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रेजनल से ज़्यादा है तो फिर कौन सा ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। ये उसने कंडीशन बनाई, तुम ये दो कंडीशंस याद कर लो, तो फ्रेजनल याद कर लो और ये कंडीशन याद कर लो, तुम्हारा डिस्टेंस जो है स्क्रीन का वो फ्रेजनल से अगर कम है तो रे ऑप्टिक्स है, ज़्यादा है तो वेव ऑप्टिक्स है, बात खत्म। अब मैं इसके न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे आते हैं।